हेलो, अपना जो टॉपिक चल रहा है। हेलो, हेलो, लेट अस वी स्टार्ट। कल हमने पढ़ा था ज्वारभाटा के लाभ। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मानव और महासागर। मानव और महासागर, आज की डेट डालिए, रफ नोटबुक लेके बैठिए और टॉपिक लिखिए। ओके, लेसन 5 ही, और लेसन का नाम है जल। हमारा स्टार्ट हुआ पढ़ाई, हमें इसी को आगे बढ़ाना है। ओके, हेलो। हाँ जी, देखिए, मानव और महासागर। महासागर कहते हैं जल के विशाल स्रोत को, विशाल भंडार को। महासागरों का मानव जीवन पर प्रत्यक्ष, पेंसिल ले रखी है ना पास में आपने, लिखो यहाँ। प्रत्यक्ष का मतलब जो दिखाई दे, जो महसूस हो सके, और परोक्ष जो हमें केवल हम महसूस करते, दिखाई नहीं देता। प्रत्यक्ष का मतलब जो सामने दिखाई भी दे, जिसको हम महसूस भी करें, और परोक्ष जिसको हम केवल फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देता। तो महासागरों का मनुष्य के जीवन पर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। कैसे? मनुष्य को महासागरीय क्षेत्रों से अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ, खनिज का मतलब है जैसे हमें यहाँ से नमक मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, कैल्शियम कैल्शियम मिलता है, मोनाइट है, ये इस तरह के पदार्थ एवं ऊर्जा के अनेक संसाधन, खनिज पदार्थ मिलते हैं। ऊर्जा, हम समुद्री जल से क्या विद्युत पैदा कर सकते हैं, विद्युत कर सकते हैं। कल मैंने बताया था जापान और कनाडा में बहुत सारे विद्युत ऊर्जा संयंत्र हैं जो महासागरों से स्थापित हैं। तो ऊर्जा के भी हमें अनेक संसाधन यहाँ से प्राप्त होते हैं। कोयला इसके आसपास के क्षेत्रों के पास मिलेगा। पेट्रोलियम हमें इसकी खनिज की खनन ग्रंथियों में, तलाटी में मिलता है। इस तरह से हमें यहाँ से ऊर्जा के साधन भी मिलते हैं, खनिज पदार्थ भी मिलते हैं। एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि महासागरों से मनुष्य को क्या लाभ है, आपकी बुक के पीछे है, तो वो यही क्वेश्चन बनेगा। दूसरा, परिवहन की दृष्टि से समुद्री यातायात सुगम व सस्ता है। परिवहन यानी अगर हम देखें तो यातायात की दृष्टि से यानी ये सबसे सस्ता है। देखिए, आप इनको लेते हैं हवाई जहाज, तो ये कितना खर्चीला साधन है। ठीक है, ये तीव्र गति से आपको जल्दी कम समय में यात्रा करा देगा, लेकिन महंगा कितना है। हर आदमी की पहुंच तो नहीं होती ना वहां तक। गरीब आदमी तो हवाई जहाज में यात्रा करने की सोच भी नहीं सकता, कितना कॉस्टली पड़ता है। इसी तरह से रेलगाड़ियां दूसरे नंबर पर आती हैं, लेकिन पुराने समय से ही समुद्री जो मार्ग है वो सस्ता साधन है। इसलिए यहाँ पर सेना, नौगम्य सेनाएं हैं, जो हमारा व्यापार होता है विदेशों से वो यहीं से होता है। और कितना ही भारी सामान हो, हम उसकी लोडिंग समुद्र में कर सकते हैं, कोई टूट फूट का डर नहीं होता। जैसे सड़कों पे तो भारी सामान ले जाओ तो ऐसा लगता है टूट फूट जाएंगे। परिवहन की दृष्टि से समुद्री जो यातायात है वो सुगम, आसान है और सस्ता है। थर्ड पॉइंट इसका, महासागरों को जलवायु नियंत्रक भी कहा जाता है। ये जलवायु को नियंत्रित करते हैं, नियंत्रण करने वाले। कैसे? इनके प्रभाव से तापमान एवं वर्षा दोनों चीजों पर, किस किस पर? तापमान पर और वर्षा पर, दोनों पर नियंत्रण रहता है। जल धीरे धीरे गर्म व ठंडा होता है, एकदम से गर्म नहीं होता। आप अगर पानी गर्म भी करते हैं तो देखिए वो धीरे धीरे होता है, एकदम ऐसे नहीं ना कि रखते ही हो जाए या सूर्य के प्रकाश से एकदम तप जाए, ऐसा नहीं। धीरे धीरे तो ये गर्म होगा और धीरे धीरे ही ये ठंडा होगा, जिसके कारण समुद्री जल अधिक मात्रा में सूर्य ताप को अपने अंदर सोख लेता है। समुद्र का जल है धीरे धीरे गर्म और ठंडे होने की अपनी प्रवृत्ति के कारण ये जो सूर्य का ताप मिलता है उसको अपने अंदर समाहित कर लेता है। गर्म जल धाराओं के माध्यम से यह ऊर्जा ठंडे क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित होती रहती है। सूर्य के ताप को समुद्र के पानी में सोख लिया, फिर जो गर्म जल धाराएं, मतलब जब सूर्य का ताप समुद्र ने ले लिया तो जल धाराएं गर्म होगी नेचुरली है, फिर वो गर्म जल धाराएं क्या करती है,
जब ठंडे क्षेत्रों की ओर जाती हैं तो उससे वो अपने साथ कम तापमान नमी वाली वायु को साथ लेकर चलती हैं, जिससे ठंडे क्षेत्रों में राहत मिलती है। जब ये गर्म वायु को लेकर गर्म जल धाराओं के साथ जब ये जाएंगी तो वातावरण भी गर्म हो जाएगा। जब बहुत ठंड का समय होता है तो हमें थोड़ी सी भी गर्मी मिलती है तो राहत मिलती है। जब ये ठंडी के इलाके की तरफ जाएंगे, ठंडे क्षेत्रों की तरफ और गर्म होकर जाएंगे तो वहां के लोगों को ये थोड़ी सी गर्मी हो जाएगी। और ऐसे ही गर्म इलाकों में जब ठंडे क्षेत्रों से होकर सागर की धाराएं जाएगी तो वो वहां के लोगों को राहत पहुंचाएंगी, क्योंकि जल्दी गर्म होती है जल्दी ठंडी होती है, इसलिए इनका अच्छा प्रभाव दोनों तरह से पड़ता है। महासागर ये जल ही वास्तविक होकर वर्षा के रूप में हमें प्राप्त होता है। जो महासागर का जल है, समुद्रों का जल है, ये वर्षा के रूप में वापिस पुनर्चक्रित होकर महासागरों में आता है। महासागर है, तालाब है, नदियां हैं, झीलें हैं, जो भी जल के स्रोत है वहां से पानी वाष्प बनकर उड़ता है, बादलों में समाहित होता है, संघनित होकर ठंडा होकर वापस वर्षा के रूप में नदी नालों और जो भी हमारी झीलें हैं उन्हीं के माध्यम से वापस समुद्र में पहुंच जाता है। तो ये इस तरह से पानी की कमी को नहीं होने देता, वर्षा हमें प्राप्त होती रहती है, मानसून आती रहती है और जो जल चक्र है वो हमेशा चलता रहता है। महासागर ये जल ही वाष्पीकृत होकर वर्षा के रूप में कहाँ जाता है, समुद्र में। इस प्रकार के अनेक उदाहरण मनुष्य के लिए महासागर की उपयोगिता को सिद्ध करते हैं। वास्तव में महासागरों से मानव जीवन अत्यधिक प्रभावित हुआ है। कहा जाता है कि महासागर है पृथ्वी पर तो ये नुकसान भी दे सकते हैं, जैसे कि कभी कभी इनके अंदर तूफान आते हैं, जैसे आजकल यास तूफान की चेतावनी दी गई है, एक दो दिन में ये बहुत भयंकर रूप से आ सकता है उड़ीसा के आसपास के क्षेत्रों पे। तो उसी तरह से ये ऐसा नहीं है हमेशा विनाशकारी ही होते हैं, ये मनुष्य को लाभ भी देते हैं। हर एक चीज के नुकसान भी होते हैं और फायदे भी होते हैं। ठीक है, आज आपका ये चैप्टर का 5 ये खत्म हो गया है। ज्योग्राफी का हमारा सिलेबस भी हाफ ईयरली के हिसाब से खत्म हो गया। अब इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो हम कंप्लीट करते हैं। ओके, पेंसिल टिक लेके बैठिए और टिक करते रहना मेरे साथ साथ। ठीक है बेटा, हेलो, बुक ले रखी है ना आप लोगों ने हाथ में? हाँ जी, बुक को भरिए। पृथ्वी पर जल के विशालतम भंडार हैं कौन से? महासागर। एक्सरसाइज वन के बहुविकल्पी प्रश्न है, यानी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए होंगे और आपको किसी एक पर जो आपको उचित लगता है उस पर टिक करना है। बहुविकल्पी प्रश्न, पहला हमने बस हम जो ठीक है ना उसे कोई टिक करेंगे, पहले में आपने भरना है घे वाला महासागर। ऑप्शन को भी बता रही हूं मैं और टिक भी करा। ठीक है, दूसरे में आपने भरना है महासागरों में जल किसी एक दिशा में निरंतर गति, क्या कहेंगे हम इसको, लहरें। हाँ, महासागर लहरें दे रखा ऑप्शन, ज्वार भाटा और महासागर ये धाराएं। गैप ऑफ टिक करेंगे हम महासागर ये धाराएं, आप लिख लीजिए इसको, टिक करते जाए बुक ले रखिए तो महासागरीय धाराएं। तीसरा है आपका महासागर की लवणता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है, ताप पर, अलवण जल की पूर्ति पर या वाष्पीकरण की दर पर, किस पे करोगे? हाँ लिखो, टिक करो, शाबाश, वेरी गुड, वाष्पीकरण की दर पर। ये मैंने आपको एक दिन पहले कराए थे तभी आप बोल रहे हो। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन लेते हैं, उष्ण धाराएं बहती हैं किधर से किधर बहेंगी, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर, उच्च से निम्न की ओर, या उच्च तुंगता वाले क्षेत्र से निम्न तुंगता वाले क्षेत्र की ओर, या निम्न तुंगतांत वाले क्षेत्र से उच्च तुंगता वाले क्षेत्र की ओर, बताओ किसकी तरफ? शायद खै वाला ऑप्शन है इसमें, आप देखना खै, उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर।
ठीक कर रहे। उसके बाद हम चलते हैं फिफ्थ ऑप्शन पे, लेब्रो धारा और गल्फ स्ट्रीम धारा निम्नलिखित किस द्वीप समूह पर आपस में मिलती हैं? कैरिबियाई द्वीप समूह पर, जापान में, या न्यूफाउंडलैंड या इंग्लैंड में? आप इस पे भरो गैस। न्यूफाउंडलैंड। बहुत सारी इसकी चीजें इससे जुड़ी हुई, न्यूफाउंडलैंड से। इसे हजार समाधियों का देश भी कहा जाता है। दूसरी एक्सरसाइज कौन करते हैं, एक्सरसाइज टू। सही विकल्प का चयन करके रिक्त स्थानों को भरिए। सही विकल्प। पृथ्वी के 10% भाग पर जल है कितने पर? 71% पर। दूसरा, समुद्र के जल में घुले लवण की मात्रा क्या कहलाती है? लवणता। तीसरा लीजिए, डैश के जरिए जल का नवीकरण और पुनर्भरण होता है। अभी हम